नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मणी हरण की कथा तो जरूर सुनी होगी। तो रुक्मणी हरण की कथा में जब रुक्मणी जी श्री कृष्ण भगवान को एक पत्र लिखती है और ब्राह्मण देवता उस पत्र को श्री कृष्ण जी के पास ले जाते हैं, तो रुक्मणी जी उस पत्र में क्या लिखती है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो रुक्मणी जी ने उस पत्र में लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देख, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय है, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण है, आप ही बताइए ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन प्राणवल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआ बावली आदि खुदवाना इष्ट यज्ञादि करना दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभो, आप अजित है, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ। हमारे कुल का एक ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसमें विवाह की जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। तो यही संदेश रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी के पास भेजती है और श्री कृष्ण जी इस संदेश का क्या उत्तर देते हैं उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं इस संदेश का।
तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञानगंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।